महाराष्ट्र के आराध्य देवता है भगवान पांडुरंग और भगवान पांडुरंग का धाम है पंढरपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी पंढरपुर की हम यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी रात के 8 बजे हैं और हम मंदिर ट्रस्ट के ही भक्त निवास में रुके हैं। ये भक्त निवास विट्ठल रुक्मिणी मंदिर ट्रस्ट का सबसे लेटेस्ट और नया भक्त निवास है। कहने को तो ये भक्त निवास है, लेकिन आप इसे बाहर से देखेंगे तो ये किसी भी 5-स्टार होटल से कम नज़र नहीं आता है। इस भक्त निवास में आप ऑनलाइन भी रूम बुक करा सकते हैं और सीजन नहीं रहा तो यहाँ आकर भी रूम बुक हो सकता है। मैंने यहाँ आकर ही रूम बुक कराया है क्योंकि अभी सीजन नहीं है। देश के किसी भी शहर से आप पंढरपुर बाय ट्रेन आसानी से आ सकते हैं। साथ ही सरकारी और प्राइवेट बस की भी काफी अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। विट्ठल मंदिर से पंढरपुर रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर और बस स्टैंड 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 7 बजे मैं भक्त निवास से भगवान पांडुरंग के दर्शनों के लिए निकल पड़ा, जो कि भक्त निवास से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। विट्ठल मंदिर के रास्ते में सबसे पहले इस चौक में भगवान श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन होते हैं। पुरातन काल से चली आ रही पंढरपुर की नगर प्रदक्षिणा कई बार करी इस श्री कृष्ण मंदिर से ही शुरू करते हैं और चंद्रभागा नदी के विशाल तीर पर से चलते हुए पूरे प्राचीन पंढरपुर नगर को प्रदक्षिणा लगाई जाती है। और इस श्री कृष्ण मंदिर के पास से ही विट्ठल मंदिर का बाजार शुरू होता है, जहां पर आपको फूल माला प्रसाद और पूजा सामग्री के सामान के साथ ही भगवान विट्ठल की मूर्तियों की दुकानें दिखाई देगी। चलिए सबसे पहले चंद्रभागा नदी पर चलते हैं, वहां पर संत पुंडली का मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे और फिर मुख्य मंदिर की तरफ आएंगे। पंढरपुर की प्राचीन परंपरा के अनुसार यहां आने वाले भक्त भगवान पांडुरंग के दर्शनों से पहले चंद्रभागा नदी के तीर पर आते हैं। यहां पर स्नान कर संत पुंडलिक के मंदिर के दर्शन कर फिर भगवान पांडुरंग के दर्शनों के लिए जाते हैं। संत पुंडलिक महाराज का मंदिर चंद्रभागा नदी के बिल्कुल तीर पर बना हुआ है, जहां पर गर्मियों के मौसम में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ रहता है और बारिश के मौसम में जैसे ही नदी पात्र बढ़ता है यह मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी रहते हुए भी श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पुंडलिक महाराज के दर्शन कर रहे थे। हमने भी पुंडलिक महाराज के दर्शन किए और फिर मुख्य मंदिर की तरफ रवाना हुए। इतिहासकारों के अनुसार संत पुंडलिक पंढरपुर में ईसा पूर्व 3100 में हुए थे, यानी कि आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व, और तभी भगवान विट्ठल पंढरपुर में प्रकट हुए थे और ये समय महाभारत के बिल्कुल बाद का काल है। उस समय पंढरपुर का नाम दिंडीरवन था। आगे 3000 वर्षों बाद सन 200 में सातवाहन राजाओं ने दिंडीरवन का नाम बदलकर संत पुंडलिक के नाम पर पंढरपुर किया। चंद्रभागा नदी की तरफ जाते वक्त रास्ते में हमें पुरातन द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन होते हैं, जिसे शिंदे सरकार वाड़ा भी कहा जाता है। एक विशाल किलानुमा बने इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार द्वारा करवाया गया था। आइए जानते हैं श्रीहरि का रूप भगवान विट्ठल का पंढरपुर में कब और कैसे आगमन हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व संत पुंडलिक, जो भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, एक बार अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे। तभी भगवान विट्ठल उन्हें दर्शन देने प्रकट हुए, लेकिन माता पिता की सेवा में लीन पुंडलिक ने भगवान की तरफ ईंट सरकाते हुए उन्हें वहीं इंतजार करने को कहा और भगवान विट्ठल अपने भक्त के इंतजार में उसी ईंट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और वहीं पर मूर्ति में तब्दील हो गए और आज भी हम उसी स्वयंभू मूर्ति के दर्शन करते हैं यहाँ पर। चंद्रभागा नदी असल में भीमा नदी है, जिसका उगम भीमाशंकर के पहाड़ों में से होता है। जब यह नदी पंढरपुर पहुंचती है तब इसका आकार एक अर्ध चंद्राकार हो जाता है, यानी कि आधे चांद जैसा हो जाता है, इसलिए इस नदी को यहाँ पर चंद्रभागा नदी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी के तीर पर आपको सैकड़ों लकड़ी की नाव दिखाई देगी। इन नाव से आप नदी के उस पार जा सकते हैं। सामने इस्कॉन मंदिर है, वहाँ दर्शन करके आ सकते हैं। इस्कॉन मंदिर का निर्माण हाल ही के वर्षों में किया गया है, जिसमें भगवान राधा कृष्ण की बेहद ही मोहक मूर्तियां स्थापित है। चले अब मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं, भगवान पांडुरंग के दर्शन करते हैं। चंद्रभागा के तीर से विट्ठल मंदिर तक सीधा रास्ता बना हुआ है, जो कि लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। मुख्य मंदिर में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है। मंदिर के आसपास ही कई सारे प्राइवेट और ट्रस्ट के लॉकर बने हुए हैं, जहां पर आप अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं केवल 5 से 10 रुपए देकर।
दर्शन करके फिर ये मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी टेंशन नहीं है कि दर्शन करने जाते वक्त मोबाइल कहाँ रखें, इन लॉकर्स में आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। ये है विट्ठल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के सामने ही संत चोखामेळा महाराज की समाधि बनी हुई है। यहाँ दर्शन कर अब हम नामदेव पारी के दर्शन करते हैं। हमेशा भगवान पांडुरंग के चरणों में रहने की इच्छा लेकर संत नामदेव ने इसी स्थान पर समाधि ली थी और उनकी बहन संत जनाबाई ने भी इसी स्थान पर समाधि ली थी। आगे मंदिर के विस्तार के साथ ही यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई और उन्हें नामदेव पारी नाम दिया गया। और ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ से भगवान पांडुरंग के मुख दर्शन कर हम 15 से 20 मिनट में मंदिर से बाहर आ सकते हैं। और अगर हमें भगवान विट्ठल के बिल्कुल पास जाकर चरण स्पर्श करने हैं तो इस बड़ी सी इमारत में लाइन से जाना होगा, जिसमें 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का समय लग सकता है भीड़ के अनुसार। मंदिर का भव्य सभा मंडप काले पत्थर और सागवान की लकड़ी से बना हुआ है, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। और मुख्य मंदिर का अंदर का भाग काले ग्रेनाइट के पत्थरों को तराश कर बनाया हुआ है। इसी मंदिर परिसर में विट्ठल मंदिर के पास ही माता रुक्मिणी का भी मंदिर है। यहाँ से दर्शन कर भक्त उत्तरी और पश्चिमी द्वार से मंदिर से बाहर निकलते हैं। उत्तरी द्वार के पास ही मंदिर का लड्डू प्रसाद का काउंटर बना हुआ है, जहाँ से 10 और 20 रुपये के लड्डू के पैकेट आप ले सकते हैं। पंडरपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर परिसर में अब हम आ गए हैं विष्णुपाद मंदिर के पास। विष्णुपाद मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि चंद्रभागा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई है। साल के 6 महीने नदी का पानी बढ़ने से विष्णुपाद के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन अभी नदी का पानी कम है और मंदिर में घुटनों तक ही पानी भरा हुआ है। 12 खंभों पर खड़ा भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर चंद्रभागा नदी के बीच बना हुआ है। विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण एक बड़ी चट्टान पर बने हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने गजासुर नामक राक्षस का इसी स्थान पर वध किया था और तभी से भगवान विष्णु का ये स्थान बना हुआ है। आगे पेशवाओं के समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। जो यात्री पंडरपुर में स्नान नहीं करते हैं वो विष्णुपाद आकर यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी काफी साफ है और भीड़ भी बहुत कम है। विष्णुपाद मंदिर के दर्शन कर अब हम चलते हैं संत जनाबाई के मंदिर। संत जनाबाई भगवान विट्ठल की परम भक्त थी और भगवान विट्ठल की भक्ति करते हुए ही वो सांसारिक कार्य करती थी और उनके सांसारिक कार्य में भी भगवान विट्ठल उन्हें बार बार मदद करने आते थे। चंद्रभागा नदी के तट पर यह है संत जनाबाई का मंदिर, जिनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन रहने के कारण वो कई बार लोगों के तिरस्कार का पात्र बन जाती थी, लेकिन हर बार भगवान विट्ठल जनाबाई की मदद के लिए दौड़ आते थे। एक बार गांव में गहने चोरी के आरोप में जनाबाई को इसी स्थान पर सुली पर लटकाने का आदेश दिया गया और रात भर रस्सियों से इस स्थान पर बांध कर रखा गया। अपने भक्त को संकट में देख भगवान विट्ठल जनाबाई की मदद के लिए आए और देखते ही देखते बंधी हुई सारी रस्सियां पानी की तरह पिघल कर बह गई। ये चमत्कार देख गांव वालों ने जनाबाई के पैर पड़े और उनसे माफ़ी मांगी और आगे इसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ से आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री गोपाल कृष्ण मंदिर के पास ही संत जनाबाई का घर था, जहाँ पर वो रहती थी। उस स्थान पर आज भी उनके इस्तेमाल की हुई सारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई है। विष्णुपाद के दर्शन कर हम वापस भक्त निवास आ गए। यहाँ पर आकर हमने भक्त निवास के रेस्टोरेंट में खाना खाया, जिसकी फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और पंडरपुर यात्रा के आखिरी चरण में अब हम आ गए हैं कैकाड़ी महाराज के मंदिर। कैकाड़ी महाराज के मंदिर में आपको पूरे भारतवर्ष की कई झांकियां देखने को मिलेगी। पुरातन काल से लेकर नए भारत तक की सारी झांकियां इस मंदिर में हमें देखने को मिलेगी। हिमालय में 5 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद कैकाड़ी महाराज ने पंडरपुर में यहाँ अपना आश्रम बनाया और यहीं पर इस मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस मंदिर की रचना एक चक्रव्यूह की तरह बनाई हुई है, जिसमें आप एक बार घुसने पर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इस मंदिर को पूरा देखने के लिए आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा। इस मंदिर में पौराणिक काल के साधु संतों से लेकर नए भारत के युग पुरुष के साथ ही रामायण और महाभारत के कई प्रसंग दिखाए गए हैं। और इसी मंदिर के आखिर में कैकाड़ी महाराज का समाधि स्थल है।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी पंढरपुर की यात्रा पूरी होती है। ये स्थान, ये जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।